नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान परीक्षा मंथन बुक सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान का दूसरा वीडियो, जिसमें भारतीय संविधान की उद्देश्य का एवं विशेष लक्षण भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रकाश डाला गया है। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की उद्देश्य का एवं विशिष्ट लक्षण, यानी भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है एवं इसके लक्षण क्या है। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है, जिसके द्वारा संविधान के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना और प्रस्तावना का उद्देश्य का संविधान से जुड़ा एक श्रेष्ठ आभूषण है। डायसी ने लिखा है, संविधान की तुलना उस देसी पौधे से की जा सकती है जो विदेशी भूमि पर नहीं उगता। जी हाँ दोस्तों, यानी जो हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उस वह मूल रूप से जो भारतीय संविधान बना है उसका मूल आधार है, परंतु डायसी का कथन भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण में देसी व विदेशी अनेक प्रकार के प्रभावों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी हमारा जो भारत का संविधान है वह विदेश के जो देशों के बने हुई है, यानी विदेश के देशों से लिया गया है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान में अन्य संविधानों की नकल करती हुई उनके सिद्धांतों को ज्यों की त्यों नहीं ग्रहण किया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके हमारे संविधान में उसे सम्मिलित किया गया है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य मौलिक संविधान की रचना नहीं वरन एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण था, ऐसा इसी कारणवश किया गया। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके कथन के अनुसार हम चलते हैं कि मैं महसूस करता हूँ भारतीय संविधान व्यवहारिक है और उसमें परिवर्तन की क्षमता है और उसमें शांतिकाल और युद्धकाल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोली थी। दोस्तों हम इसके वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है, तो भारतीय संविधान में निहित है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है, तो यह 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें किया गया है। भारतीय संविधान किस शासन की प्रकृति की ओर इंगित करता है, संसदीय सरकार की ओर इंगित करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं, तो जो है 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय संविधान नागरिकों के आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान कैसा है, ये संघीय है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो यह 1950 ईस्वी में लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो यह ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। दोस्तों इस प्रकार के कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। किसको धर्म निरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य वह धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है, जिस प्रकार हमारा भारत देश है। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है, सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है। एक तंत्र का क्या अर्थ है, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जी हाँ। फौजिम का विश्वास किस सिद्धांत पर लागू करने में है, सर्वसत्तावाद पर लागू करने में है फौजिस्म का विश्वास सिद्धांत। राज के विषय में फासीवाद क्या है, राज व्यक्तिवाद के संबंधित धारणा को बढ़ाता है, यह फासीवाद। इसके हम देखते हैं शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है, तो हम देख चुके हैं सरकार की संघीय स्वरूप।
अब हम इसका विशिष्टता देखते हैं, उद्देश्य का एवं विशिष्ट लक्ष्य लक्षण की जो भारतीय प्रस्तावना में हुई है। दोस्तों तो संविधान की प्रस्तावना में संविधान के ध्येय एवं उसके आदर्शों को सारगर्भित स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। जी हाँ, यह कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम इसकी उद्देश्य का पढ़ते हैं दोस्तों, और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संविधान की उद्देश्य का। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सी शुल्क सप्तमी संबत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ऐसा संविधान में हमारे भारतीय संविधान में उद्देश्य का में लिखा है। पूर्व में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, किंतु बेरुबाड़ी बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। वहीं केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य, ये ऑल इंडिया 1973 SC का जो आदेश था 1461 का, उसके 1461 में ध्यान दें दोस्तों। तो इसके जो हम विशिष्ट उद्देश्य का एवं विशिष्ट लक्षण देख रहे हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु संसद की कोई ऐसा संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो संविधान के आधारभूत ढांचे को विखंडित करता हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित मूल दर्शन में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, उसके जो मूल दर्शन है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारत में भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत की जनता है। साथ ही संविधान के अंतर्गत कोई पद अनुवांशिक नहीं रहेगा। प्रस्तावना में एक लोक हितकारी लोकतंत्रात्मक प्रशासन की कल्पना की गई है जो भारत की जनता द्वारा निर्मित है। इस प्रकार प्रस्तावना में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और लोकतंत्र के मुखर समर्थक इब्राहिम लिंकन की जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन जैसी पवित्र भावना को पूरी तरह आत्मशासित किया है दोस्तों। जी हाँ, अब्राहम लिंकन ने जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन की बात कही थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। इसका आशय यह है कि राज्य का अपना कोई पंथ अथवा धर्म नहीं होगा, राज्य सभी मतों को समान रूप से आदर करेगा तथा किसी भी मत अथवा विचारधारा को प्रशय नहीं देगा। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, किंतु वह न्याय योग्य नहीं है। यह बात उद्देश्य का से संबंधित है। हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर तथ्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजाओं का शासन नहीं है। भारत के कल्याण राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों देशों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है संविधान के पाठ में कहीं नहीं। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों और देशों की रूपरेखा दी गई है वह संविधान के पाठ में कहीं नहीं दी गई है। यह इम्पोर्टेंट है। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारत का संविधान अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जी हाँ,
किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। बात करें हम संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जी हाँ, तो दोस्तों हम यह अगले वीडियो में देखेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों तो यदि आप हमारे करियर डेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हम यह वीडियो जो हमारा भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है, परीक्षा मंथन बुक सीरीज, हम 10 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक।